अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नताशा। तो आज की जो वीडियो है वो रिका की हॉट वैक्स के बारे में है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वैक्स है ये। थोड़ी सी कॉस्टली है पर क्वांटिटी भी ज़्यादा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। और बेनिफिट इसका ये है कि ये विदाउट स्ट्रिप यूज़ हो जाती है। स्पेशली फेस के लिए ये वैक्स यूज़ होती है और प्राइवेट एरिया के लिए यूज़ होती है ये वैक्स। तो पेनलेस वैक्स है, इतना पेन नहीं करती जिस तरह आम वैक्स पेन करती है। ये इसकी ओल्ड पैकेजिंग है। पहले ये पूरा ट्रे आता था 1 किलोग्राम का, और अब जो है ये इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, डिस्क ट्रे आ गई है अब इसकी। और इसके अंदर दो डिस्क होती हैं 500 × 1000 ग्राम की। ये वैक्स होती है रिका की, मेड इन इटली। जो मेरे पास अभी इसका फ्लेवर है ये है चारकोल फ्लेवर, सेंसिटिव ऑयली एक्नी प्रोन स्किन के लिए ये फ्लेवर बेस्ट एंड बेस्ट है। और एक फ्लेवर ऑलरेडी मैंने इसका वैक्स हीटर में मेल्ट किया हुआ है, वो है इसका फ्लेवर क्लोरोफिल है वो। और अब ये जो इसकी वाली पैकेजिंग है ना, ये बहुत आसानी हो गई है इसकी वजह से, कि ये आराम से एक पीस निकाल के वैक्स हीटर में डालें तो ये मेल्ट हो जाता है। पहले इसका पूरी चौकोर ट्रे आती थी और उसको फिर तोड़ने का बहुत ही मसला होता था, नाइफ़ गर्म करना पड़ता था उससे, वो इतनी मुश्किल से कट होता था पीस, क्योंकि वैक्स हीटर इतना बड़ा नहीं होता कि इतना बड़ा 1 किलोग्राम का ट्रे उसके अंदर आ जाए। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। नॉन स्ट्रिप वैक्स है ये, पील ऑफ वैक्स है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों इसके ऊपर मेंशन है। रिका के लिपो सॉल्यूबल वैक्स हो या हार्ड वैक्स हो, दोनों को इस्तेमाल करने से पहले इसका ये जेल पहले लगाना पड़ता है और फिर लगाना पड़ता है आफ्टर वैक्स इसका लोशन, क्योंकि पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो इसके जगह पर हम लोग पार्लर पर जो बेबी ऑयल होता है वो लगाते हैं हार्ड वैक्स से पहले, और हार्ड वैक्स के बाद लगाते हैं एलोवेरा जेल। सबसे पहले मैं अप्लाई करने लगी हूँ ये बेबी ऑयल अपने फेस के ऊपर। मैंने अपने फेस के जो बाल रिमूव करने हैं उस एरिया पर मैं एक एक ड्रॉप अप्लाई करके इसको अच्छे से मसाज करके इस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लूँगी। वैक्स हो जाए थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। क्या करना है यहाँ पे, एलोवेरा जेल, विटामिन ई के कैप्सूल या बैलेंसिंग क्रीम जो भी आपके पास हो। सैलून में जो वैक्स हीटर होता है उसके अंदर वैक्स भी इतनी गंदी होती है, उसके अंदर बाल होते हैं, तो उसका हम क्या करें। आप जब भी सैलून जाए तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें कि वैक्स जो हो वो साफ़ हो। अगर उसके अंदर हेयर है मौजूद तो सोचें आप वो वैक्स कितनी गंदी होगी जब आप अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको तो दाने वगैरह और प्रॉब्लम तो होगी, इचिनेस वगैरह तो आपको लाजमी होगी। तो स्टिक से यूज़ करनी चाहिए ताकि बाल वैक्स के अंदर जाए ना। तो मैंने इस एरिया की वैक्स कर ली है, अब इस इधर के बाल रिमूव करूँगी, सिर्फ इस सेम एलोवेरा अप्लाई करूँगी और थोड़ी देर बाद ये रेडिशनेस जो है वो चली जाएगी उससे। मैं आपको दिखाऊं रिका वैक्स को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करनी पड़ती है, बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ती, और बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है और एक ही दफ़ा में सारे बाल निकाल देती है। ये मुझे इसका अच्छा लगता है कि बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ती, फेस रेड नहीं होता इसको बार बार, जिस तरह से ओवर वैक्स को बार बार अप्लाई करने से फेस रेड हो जाता है ना, इसका ये इशू नहीं आता। तो अब हम इसका अप्लाई करते हैं। ये हो गए हैं बाल रिमूव। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल एस सेम, जैसे मैंने उस तरफ अप्लाई किया। और जो गंदी वैक्स है ये मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी, बजाय कि वैक्स हीटर में डाल दूँगी दोबारा। वैक्स मेरी हो गई है, और जिन लोगों की है सेंसिटिव स्किन वो इस तरह से यहाँ पर बैलेंसिंग क्रीम लगा के इसको कर लें एब्जॉर्ब। अब देखें रेडिशनेस भी जो है वो पहले से कम होनी शुरू हो गई है दोनों साइड पे, और ये ऐसा सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी थोड़ी सी देर बाद।
तो ये था रिका की हॉट वैक्स अप्लाई करने का तरीका, और इसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक ही बार में सारे बाल रिमूव कर देती है, और दाने वगैरह और छोटे छोटे निशान जो बन जाते हैं वैक्स के बाद वो नहीं करती है। फिर वैक्स यूज़ क्या करें, कोशिश किया करें अच्छी क्वालिटी की वैक्स यूज़ किया करें। ये रेज़र यूज़ करने की वजह से, ट्रिमर यूज़ करने की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ इन जगहों पर हो गई थी, लेकिन ये है कि रिका से ना हेयर ग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो मुझे पता है कि जब मैं रिका से अब मैंने वैक्स की है तो ये जो हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है इसके बारे में तो वो भी नीचे कमेंट करके मुझे पूछ लें। इसकी प्राइजेस क्या है वो मैं इनबॉक्स में लिख दूंगी। इसके फ्लेवर्स, किस स्किन के लिए कौन सा फ्लेवर यूज़ होता है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी सारी डिटेल्स, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द रेड बटन, आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको मिलती रहे अपडेट। उसके लिए आप कुछ करना यह है कि करना है नोटिफिकेशन बेल प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, अब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।